अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2018 का शुभारंभ डीआईजी सेंट्रल रेंज कपिल शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में 9 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर डीआईजी सेंट्रल रेंज कपिल शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए हमें भाईचारे की भावना जागृत होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर डीआईजी ने सभी टीमों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2018 के उपलक्ष्य में होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। पड्डल मैदान में शिवरात्रि मेला के लिए जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसका आरंभ किया गया है और प्रारंभिक मैच जो है वो हॉकी का शुरू हुआ है और मैं अपनी तरफ से सभी खिलाड़ियों को जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो मैचेज हैं ये 21 तारीख तक चलेंगे, 21 तारीख जो है इनका जो है कंक्लूजन होगा। जो ये खेल हैं इनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जहां ये भाईचारे की भावना सिखाते हैं और एकता की भावना सिखाते हैं, उसके साथ साथ ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जो है वो उद्देश्य हमें देते हैं। इस गेम्स में कोई हारता नहीं है, जो जीत नहीं पाते वो एक नई जील लेकर वापस जाते हैं ताकि अगली बार वो अच्छा कर सके। मैं अपनी तरफ से सभी को जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ।